हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, फटाफट जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चों, मैंने जो है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही जदक तरीके से आप लोग को यह बताया हुआ कि भैया केमिकल रिएक्शन कैसे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर और कीटोन्स के अंदर। तो बच्चे, हम ये जो रिएक्शन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है और वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बेटा, मैं क्या लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, जो हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो केमिकल रिएक्शन वो बहुत ही गजब तरीके से, मक्खन तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो उसके ऊपर बात करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा एक जो है इंपॉर्टेंट जो है अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के ऊपर मैं पहले बात करता हूं। और बच्चे, मैं यहां पे कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कैसे कैसे तरीके से होती है और वहां पे क्या क्या सिर्फ चेंजेस करने से रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाता है, इसके ऊपर बात कर रहे हूं। बच्चे देखो, बच्चे बात करते हैं कि पहला जो हमारा अभिक्रिया होने वाला है, सैंडमेयर अभिक्रिया और गॉटरमैन अभिक्रिया। तो यहां पे बेटा ये जो अभिक्रियाएं होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चे आप लोग क्या कीजिए, अपना पेन पेपर कॉपी लेके एकदम शांति से बैठ जाइए और सारे रासायनिक जो अभिक्रिया में बताने वाला उसको जो है वन बाय वन लिखते चलिएगा, ठीक है बच्चे। और एक जो है निवेदन है आप लोग से कि भैया आप लोग क्या कीजिए, जो रिएक्शन से मैं बताऊंगा उसको 2 से 3 बार जो एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका इस पे जो एकदम अच्छी तरीके से कमांड बन पाएगा। चलिए बच्चे देखते हैं, यहां पे जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है नंबर 1 है, मतलब सैंडमेयर अभिक्रिया, इसके अंदर क्या है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं बच्चे, तो आपको एक ट्रिक दे देता हूं, उससे जैसे कि जो तरीका होगा बेटा ध्यान समझना, जो ट्रिक दूंगा उससे सारे के सारे जो रासायनिक अभिक्रिया आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है बच्चे। चलो देखो, एक जो अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास अगर एल्किल ग्रुप रहता है, ध्यान सुनना, एल्किल ग्रुप रहता है, तो एल्किल ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बच्चे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई ट्रिक की सैंडमेयर कब्र में, क्या बच्चा, सैंड में कब्र और गटर में पाउडर, ये हमारा क्या रहने वाला, ट्रिक रहने वाला है। सैंड में कहने का मतलब बच्चा सैंडमेयर यहां पे इंडिकेट कर रहा है, सैंड में मतलब सैंडमेयर। अब सैंडमेयर रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई, अब इसके अंदर क्या होता है सैंड में कब्र, यहां पे एक बात बच्चे मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमको सिर्फ रिएक्टेंट की साइड पे बात करना होता है, मतलब कि अगर रिएक्टेंट कैसा है और उसमें हम जो है कौन सी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा उत्प्रेरक वहां पे यूज कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब कि हमारा उत्पाद बन रहा होता है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो वही हमको सीखना है कि भाई हम कहां पे, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना होता है तो एल्डिहाइड जो है कौन से अभिकारकों से, कौन से उत्पादों से मिलकर एल्डिहाइड बनता है, ये हमको सीखना पड़ेगा। तो बच्चे वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान सीखना, हमको एक ट्रिक चाहिए रहेगी इसके लिए, सैंड में कब्र, क्या बच्चा सैंड में कब्र, अगर इसको करने जाऊं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन बच्चे इस ट्रिक के बदौलत बहुत ही इजी तरीके से सारी की सारी अभिक्रियाएं हो जाएगी। देखो बच्चे, सैंड में कब्र और गटर में पाउडर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा सैंडमेयर की, यहां बात हो रही है, पहला जो लाइन रहेगा सैंड में कब्र, ये सैंडमेयर को इंडिकेट करेगा, सैंडमेयर रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट करेगा। तो सैंड में कब्र बच्चे मतलब सैंडमेयर अभिक्रिया होगी और यहां पे हम लेने वाले हैं एक बेंजीन ग्रुप। तो बच्चे लोगों, सैंडमेयर अभिक्रिया की हम बात करते हैं, तो यहां पे जो है सैंडमेयर अभिक्रिया और गटरमैन अभिक्रिया में सारे के सारे जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो जो है एकदम सेम रहने वाला है, मतलब कि एक जैसे रहने वाला है। बच्चा ध्यान सुनते रहना, यहां पे जो हमारा बेंजीन ग्रुप है इसमें जो पैरा वाले पोजिशन पे ध्यान से देना, क्या है N2Cl- है, और यहां पे भी बच्चे हम लोग जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं उसके पैरा वाले पोजिशन पे क्या है हमारा N2Cl- चार्ज लगा हुआ है, ये हमारा जो रिएक्टेंट है। और हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट होता है बेटा वो भी एकदम एग्जैक्ट सेम रहता है, क्या बेटा एग्जैक्ट सेम रहता है, मतलब कि यहां पे HBr के हम लेने वाले हैं HBr, यहां पे भी बेटा HBr, तो दोनों जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो हमारा जो है एक जैसे रहने वाला है गॉटरमैन अभिक्रिया में और सैंडमेयर अभिक्रिया में। अब यहां पे चेंजेस कहां पे होगी बेटा, मैंने आपको बोला है, आपको बताया हुआ है कि जो हमारे उत्पाद, सॉरी जहां पे क्या बोलते रहे, जहां पे हमारा कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ हमको चेंज करना होता है। कैटलिस्ट कैसे चेंज करना है ध्यान समझना बच्चा, हम तो सैंडमेयर अभिक्रिया जब यूज करेंगे तो वहां पे हम कॉपर का, ठीक है, कॉपर हम लेने वाले हैं, कॉपर और ब्रोमाइड का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं एज अ कैटलिस्ट। और जब हम गॉटरमैन अभिक्रिया लेंगे वहां पे हम कॉपर के पाउडर का यूज करेंगे, सिर्फ यहां पे जब चेंजेस होगी और यहां पे हम लोग को क्या मिल जाएगा बेटा, हमको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो बच्चे हमको यहां पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजाइन, क्या बेटा ब्रोमोबेंजाइन हम लोग बोल रहे होते हैं। और HCl बच्चा, HCl हमको यहां पे भी सेम एग्जैक्ट सारी चीजें यहां पे मिलने वाली है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे, ठीक है। देखो यहां पे आपको जो है ध्यान देने वाली चीज ये है बच्चे कि देखो यहां पे अभिकारक जो है एग्जैक्ट सेम लिया गया है दोनों ही अभिक्रियाओं में, और जो हमारा उत्पाद है वो एग्जैक्ट सेम ही बना है, अभिकारक हमने सेम लिया है, उत्पाद भी सेम मिला, सिर्फ चेंज कहां पे है, सिर्फ कैटलिस्ट में जो है पोजीशन पे चेंज है कि हम कौन कौन से कैटलिस्ट कहां कहां पे ले रहे हैं उसके हिसाब से ये अभिक्रिया होने लगती है, क्लियर है बच्चे। तो ये हमारा यहां पे ट्रिक होने वाला, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बच्चे, इसको याद करके रखना है, ये एग्जाम के अंदर आता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चे। क्या है हमारा ट्रिक, सैंड में कब्र और गटर में पाउडर, गटर मतलब भैया गटरमैन अभिक्रिया में हमारा पाउडर लेने वाले हैं कॉपर का, क्लियर है सारे बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट जो है स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं कि हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो वुड्स अभिक्रिया बेटा,
ये जो वुड्स अभिक्रिया है, ये इसको आप लोग जब हेलो वेलकन हेलो वेरिन जब पढ़े हुए थे, चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करता हूं, तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये जो अभिक्रिया है आपने की हुई थी, और उसके अंदर जो तीन अभिक्रिया थी बेटा, उसके अंदर तीन अभिक्रिया थी, वो तीन अभिक्रियाओं में क्या थे, सॉरी तीन अभिक्रिया, ये जो चैप्टर नंबर 10 नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 11 इथर जो है, इथर फिनॉल और अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, उस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो वुड्स अभिक्रिया में बात करूं तो वुड्स अभिक्रिया में क्या बात होती है, देखो ध्यान से सुनते रहना। इसके लिए हमारा जो बेहतरीन ट्रिक होने वाला बेटा क्या है, व्हाट्सअप फेसबुक, क्या बेटा व्हाट्सअप फेसबुक। तो मैं सिखाऊंगा कैसे चीजें करते हैं, कैसे इसको रिलेट करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ध्यान से सीखना पहले बच्चे। देखो हमारा जो ट्रिक होने वाला है वो क्या है, हमारा व्हाट्सअप फेसबुक। व्हाट्सअप क्या है, डब्ल्यू जो है बेटा, व्हाट्सअप का जो डब्ल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, वुड्स रिएक्शन को। व्हाट्सएप का जो W होता है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, वुड्स रिएक्शन को। इसको इंग्लिश में वुड्स लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चे, वुड्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चे देखो वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, यहां पे जो Na होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, जो Na होता है, जो सोडियम होता है, ये सारे में कॉमन होते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे भी Na है, यहां पे भी Na है, Na जो है सारे में कॉमन है। उसके साथ साथ बच्चे यहां पे हमारा जो हैलाइड्स होते हैं X, देखो ध्यान से, हमारे जो हैलाइड्स होते हैं ये भी सब में कॉमन है। तो हमारे यहां पे जो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो Na है, जो सोडियम है वो कॉमन है, और जो हमारा हैलाइड है बेटा वो भी कॉमन है यहां पे, ठीक है। दो चीज अपन को कॉमन मिल गई। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ यहां चेंज करना है, ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना, यहां पे भी हैलाइड्स है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो है नोटिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो बेटा यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ एल्किल ग्रुप जो यहां पे एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया, मतलब एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सिर्फ रिएक्शन के अंदर हमको वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्किल ग्रुप रखना है। एल्किल ग्रुप तो हम बेंजीन को ही बोलते हैं सर, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि भाई एल्किल ग्रुप हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो सेकंड रिएक्शन है, जो फिटिंग जो है रिएक्शन बोलते हैं जिसे हम, वहां पे हमको क्या यूज करना होता है, जो बेंजीन है उसका यूज करना होता है, बेंजीन रिंग का यूज जो है करना होता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में बात करूं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या चेंजेस करनी पड़ती है, यहाँ पे जो रिंग है, ठीक है, यहां जो रिंग है और साथ ही साथ जो है हमको क्या करना पड़ता है बेटा, एल्किल ग्रुप भी यूज करना होता है। मतलब कि बेटा क्या करना, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को अगर मैं एक साथ लाके रख दूं, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग रिएक्शन को मैं अगर एक साथ लाके रख दूं, तो हमको क्या मिल रहा होता है बच्चे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन मेरे को मिलेगा। तो यह प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रिएक्टेंट जो है समझ में आया कि क्या कौन से रिएक्टेंट कौन कौन सी चीजों में यूज कर रहे होते हैं। अब बच्चे अपन बात करते हैं कि यहां पर जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, वो कैसे कैसे यूज होते हैं। तो बेटा यहां पे सारे कैटलिस्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब कहने का मतलब यहां पे सिर्फ एक ही कैटलिस्ट यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट का नाम है ड्राई इथर। क्या बेटा, शुष्क इथर का यहां पे यूज किया जाता है, ड्राई इथर जिसको हम बोलते हैं शुष्क इथर। क्लियर है सारे बच्चों को। तो शुष्क इथर का यहां पे यूज किया जाता है सारे के सारे रिएक्शन के अंदर, तीनों रिएक्शन के अंदर हम लोग ड्राई इथर का यूज करते हैं। अब जो रिएक्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ध्यान समझना, ठीक है। यहां पे जो क्या मिला था हमको, दो तीन चीजें जो कॉमन मिल गई थी, लेकिन रिएक्टेंट के साइड पे देखूं, सॉरी प्रोडक्ट की साइड पे, रिएक्टेंट नहीं बच्चा, प्रोडक्ट की साइड पे, उत्पाद की साइड पे मैं जब देखूंगा तो यहां पे कौन कौन सी चीजें मेरे को मिल जाएगी उसके ऊपर मैं बात करता हूं। ध्यान से देखना बच्चा क्या होता है यहां पे, जो हमारा जो है, पहले मैं बात करूं वुड्स रिएक्शन के अंदर देखूं, तो यहां पे वुड्स रिएक्शन के अंदर जो सोडियम होता है वो रिप्लेस करता है भैया हमारे एल्किल ग्रुप को, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है एल्किल ग्रुप को, और मेरे को जो है यहां पे डबल एल्किल और उसके बाद बेटा हैलाइड्स का मेरे को ग्रुप मिल जाता है। तो यहां पे बेटा RR एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप मिलेगा, उसके बाद सोडियम प्लस एक्स मेरे को हैलाइड्स का ग्रुप जो है सोडियम के साथ अटैच्ड मिलेगा। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया सारे प्रोसेस, ठीक है। अब देखो सेकंड की मैं बात करूं तो फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या चीजें होती है, फिटिंग रिएक्शन के अंदर ध्यान सुनना कि भाई यहां पे बेंजीन हमको मिलेगा, बेंजीन रिंग मिलेगी, और साथ ही साथ जो सोडियम के साथ जो हैलाइड अटैच्ड है वो भी मेरे को 100% मिलने वाला है, 100% मेरे को सोडियम के साथ जो हैलाइड है वो अटैच्ड मिलने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया। अब बच्चे यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस मिलेगी मेरे को, यहां पे एल्किल ग्रुप अलग मिल रहा था, यहां पे मेरे को जो बेंजीन ग्रुप था वो मेरे को अलग मिल रहा था, बेंजीन अलग मिल रहा था, अब यहां पे जो एल्किल है और बेंजीन है दोनों अटैच मिलेंगे, दोनों जो है लिंक मिलेंगे, और मेरे को सोडियम जो है हैलाइड तो मेरे को मिलने वाला है डेफिनेटली। तो यहां पे जो उत्पाद की साइड पे देखूंगा तो वहां पे मेरे को सोडियम हैलाइड जो है सारे में कॉमन दिखेंगे, सारे में कॉमन दिखेंगे, और जो है सिर्फ और सिर्फ कहां चेंजेस होने वाली है, जब हम वुड्स रिएक्शन बोलेंगे तो यहां पे एल्किल आ जाएगा, एल्किल फंक्शन ग्रुप आएगा, और बेटा हम जब बात करेंगे बेंजीन के बारे में बात करेंगे, मतलब फिटिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे बेंजीन रिएक्शन आ जाएगी। अब जो तीसरे के ऊपर बात करता हूं बच्चे, देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर मैं बात करूं तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एल्किल भी आता है और बेंजीन रिंग भी आ रही होती है। क्लियर सारे बच्चों को, बहुत बेहतरीन तरीके से भैया एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। बच्चा आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ सिद्धांत से पढ़ लीजिए बच्चे, सिद्धांत से पढ़िएगा तो सारे जो रिएक्शन है आपको सारे बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर बच्चा, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो
अब हमारा जो अनदर एकदम बहुत बेहतरीन बेटा, अनदर बहुत बेहतरीन रिएक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोला बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला। तो बच्चे इसको जो है अपने कॉपी के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिजाइन बना के एकदम लिख के बेटा क्या करना, स्टार होना जैसे भी करना है कर सकते हो, लेकिन इसको भूलना नहीं है, लेकिन इसको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है सर? क्योंकि ना बच्चे ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, और ये जो है बोर्ड्स वालों के हिसाब से, ये बता रहा हूं बच्चे, ये जो है बोर्ड्स वालों के हिसाब से एकदम मनपसंद रिएक्शन है। समझ आए? जब रिएक्शन देने की बात आती है तो ये दो एग्जाम्पल्स या फिर दो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा पूछे गए हैं हर साल के हिसाब से देखूं तो। क्लियर है सारे बच्चों को? तो बहुत बार मैक्सिमम बार ये दो रिएक्शंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको एक ही स्लाइड के अंदर, एक ही जो है स्लाइड के अंदर बात करने वाला हूं। देखो बच्चे ध्यान से यहां पे क्या बात करेंगे, कोलबे अभिक्रिया और बच्चा हमारा जो होता है रीमन टीमन अभिक्रिया। क्या बच्चा? रीमन टीमन अभिक्रिया और कोलबे अभिक्रिया, सब कुछ चेंज, सॉरी सब कुछ जो है सेम रहता है, चेंज नहीं सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ कहां पर चेंज होती है, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहां पर बेटा हमारे पास जो है फिनॉल मिल रहा है, कोलबे रिएक्शन के अंदर हम यूज करेंगे रिएक्टेंट के साइड पे फिनॉल यूज करेंगे। क्या इसका यूज करने वाले बच्चा? फिनॉल का यूज करने वाले हैं, और रिमन टीमन जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर अपन यूज करेंगे बेंजीन का। सिर्फ चेंजेस कहां पे हो रही है? जो फिनॉल यूज करेंगे और जहां पे बेंजीन यूज करेंगे, रिमन टीमन में बेंजीन का यूज करेंगे। क्लियर सारे बच्चों को? समझ में आया? अब यहां पे जो हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करने वाले हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, मतलब कि बेटा ध्यान से सुनो समझना सारी चीजों को, ठीक है। देखो हमारा जो है कोलबे रिएक्शन के अंदर हम जो है क्या लेने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का यूज करने वाले हैं एज अ रिएक्टेंट के तौर पे, और ये तो बेटा कॉमन है, दोनों में कॉमन आएगी, HCl तो दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करूंगा, और जो रिमन टीमन अभिक्रिया है इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, CHCl3 का यूज कर रहा होऊंगा, CHCl3 का यूज कर रहा होऊंगा, मतलब क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहा होऊंगा। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो भैया ये जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो कॉमन ही है दोनों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे, कोलबे रिएक्शन के अंदर हम कौन कौन से जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं और इसके अंदर कौन से कैटलिस्ट उत्प्रेरक यूज करते हैं, इसको हमको याद करके रखना है, बाकी यहाँ पे कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सब एज इट इज सेम हमको मिलता है। अब देखो बेटा कोलबे रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन किसमें होती है, एल्डिहाइड, सॉरी ये रिएक्शन जो होती है बच्चे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर देखने को मिलता है। मतलब भैया ध्यान सुनना, यहां पे मेरे को क्या मिलता है बेटा, यहां पे आपको जो सैलिसिलिक एसिड मिल रहा होता है। क्या बच्चा? इसके अंदर जो है जब कोलबे रिएक्शन करेंगे तो मेरे को सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या बच्चा? सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन मैं जब रिमन टीमन यूज करूंगा तो मेरे को मिलेगा सैलिसिलडिहाइड। क्या मिलेगा बच्चा? सैलिसिलडिहाइड। समझ में आया बेटा क्या मैंने बोला? जब हम कोलबे रिएक्शन यूज करते हैं तो यहां पे सैलिसिलिक एसिड हमको मिल रहा होता है। मतलब कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है सर? देखो ध्यान से, यहां पे बेंजीन रिंग के अंदर OH होगा, मतलब फिनॉल लगी रहेगी, और इसके साथ बेटा क्या हमको मिलेगा? COOH बॉन्ड भी मिलेगा, मतलब COOH। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो यहां पे, देखो ध्यान से देखना समझना, यहां पे मेरे को पास फिनॉल मिला, फिनॉल तो मिला मेरे को, फिनॉल मिला, लेकिन साथ साथ मेरे को CHO भी मिला। क्या बच्चा? CHO मिला। यहां पे COOH मिल रहा था, यहां पे CHO मिला, यहां पे एल्डिहाइड मिला, लेकिन यहां पे मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? यहां पे मेरे को एल्डिहाइड मिला, यहां पे मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब इसको याद कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, कोलबे की कार कैसे याद करेंगे बेटा? कोलबे की कार मतलब कोलबे की कार्बोक्सिलिक एसिड, कोलबे की कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे बेटा मैंने यहां पर बात कर रहा हूं? कोलबे रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे को मिलता है, कोलबे की कार्बोक्सिलिक एसिड, कोलबे की कार। समझ में आ रही? अब रिलेट कर पा रहे हो? रामू का आलू। क्या बेटा? रामू का आलू कहने का मतलब रिमन टीमन रिएक्शन के अंदर हमको एल्डिहाइड मिलेगी, आलू मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है इधर। समझ में आया? रामू का आलू मतलब रामू का एल्डिहाइड। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? तो इस प्रकार से हम बात कर रहे होंगे, सारे बच्चों को बहुत ही गजब तरीके से क्लियर होगा। और ये बच्चे आप क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बेटा, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो इसका भी ले लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे लीजिए। मैं आज थोड़ा सा बोलना भूल गया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज करनी होती है। चलो क्लियर है, आगे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब चलो बेहतरीन, अब बेटा हम लोग बात करेंगे फिडल क्रॉप्ट रिएक्शन के बारे में, फिडल क्रॉप्ट रिएक्शन करें। अब फिडल क्रॉप्ट जो रिएक्शन होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला जो चीज होता है बेटा वो क्या होता है? एल्किलेशन। क्या होता है बेटा? एल्किलेशन। जब एल्किलेशन होता है तब फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया कैसे चलती है, और जब क्या होता है एसाइक्लेशन होता है तब फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया कैसे होती है। एसाइक्लेशन कहने का मतलब भैया जहां पर रिंग बनती है हम उसको बोलते हैं एसाइक्लेशन, ठीक है, साइकिल बनती है, रिंग बनती है, चैन बनती है, ठीक है, रिंग चैन नहीं रिंग बनती है, हम उसको बोलते हैं एसाइक्लेशन। एल्किलेशन की बात कर रही है, यहां पे क्या होगा, हम एक रिंग लेंगे,
एक बेंजीन रिंग लेंगे, इस बेंजीन रिंग को अगर मैं CH3Cl के साथ रिएक्ट कराता हूं, इस रिंग को CH3Cl के साथ रिंग कराता हूं, और ध्यान से सुनना, CH3Cl के साथ जब रिंग कराता हूं तो मेरे को AlCl3 जो है हमको जो यहां पे लेना ही होता है। एज अ कैटलिस्ट ग्रुप में याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना, हमेशा इसको याद रखना कि जो AlCl3 जो होता है ना, ये जो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के तौर पर हमेशा उत्प्रेरक के तौर पर काम करेगी। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया मैंने क्या बोला? फिडेलक्राफ्ट जब रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है, ठीक है, वो जो रिएक्शन, वो जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा यूज में लाया जाता है बच्चे, वो रिएक्शन आप भूलना मत कभी, ठीक है, ध्यान से रखना। यहाँ पे AlCl3 जो होता है कैटलिस्ट के रूप तौर पे यूज किया जाता है, और इसके अंदर बनता क्या, ध्यान सुनो, फिडेलक्राफ्ट जब एल्किलेशन होती है, फिडेलक्राफ्ट जब एल्किलेशन होती है तो यहाँ पे जो है टाइलुविन का फॉर्मेशन होता है। क्या बच्चा? टाइलुविन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे बेंजीन और CH3 दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है? टाइलुविन मिलता है, टाइलुविन मिलता है, बहुत बेहतरीन। क्या मिलता है बेटा? टॉलुविन मिलता और HCl मिल रहा होता है। यहाँ पे क्या मिलती है बेटा? देखो CHCl3 मिलता है मेरे को, यहाँ पे क्या मिलती है? COCH3 मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगी बच्चे? COCl3 मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शन अलग होते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे किसका यूज किया गया? CH3COCl का यूज किया गया है, CH3COCl का यूज किया गया। यहाँ पे किसका यूज किया? CH3Cl का यूज किया गया। तो ये अभिक्रिया है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले जो फंडे ना बच्चे, ये एग्जाम्स में आते हुए या फिर आए हुए हैं, तो मैंने इसका क्या किया बच्चे, इसका जो है सारे रिएक्शन को आपको एक साथ मिलने हो जाए, जब आपको रिएक्शन पढ़ने हो तो आप एक साथ सारी चीजें कर पाओ, इसलिए मैं इसको जो है एक सेपरेट वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे चीजें होती है, क्या रिएक्शन होता है, क्या उत्पाद बनती है, क्या अभिकारक होती है, कैसे कैटलिस्ट होती है। ये सारे कंफ्यूजन बहुत होते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है बच्चे। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? बहुत बेहतरीन। अब बात करते हैं बेटा स्टीफन अभिक्रिया और जो इटार्ड अभिक्रिया। अब जो स्टीफन अभिक्रिया होती है बेटा, स्टीफन अभिक्रिया जो होती है ये, सॉरी, स्टीफन अभिक्रिया, रोजनमुन अभिक्रिया, और ये बच्चे क्या है हमारे? इटार्ड अभिक्रिया। मैं यहाँ पर रोजनमुन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका डिस्कशन वीडियो के अंदर कर चुका हूँ, वीडियो के अंदर जो है रोजनमन अभिक्रिया जो होती है उसका डिस्कशन कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे उसको जो है इंक्लूड नहीं किया हूं। अब बच्चे ध्यान से सुनना, जो मेरा जो है स्टीफन अभिक्रिया होती है, इटार्ड अभिक्रिया होती है, इससे हमको एल्डिहाइड मिलता है। क्या बच्चा? एल्डिहाइड मिलता है, CHO जिसे हम बोलते हैं CHO, वो एल्डिहाइड मिलता है। अब वो एल्डिहाइड कैसे मिलता है, ध्यान से सुनते रहना। देखो बच्चे, स्टीफन अभिक्रिया में हमारे पास जो है एल्किल साइनाइड होता है। क्या बेटा? एल्किल साइनाइड होता है। इस साइनाइड को जब मैं CnCl2 के साथ रिएक्ट करता हूं, सॉरी CnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंसी में रिएक्ट कराता हूं, तब मेरे को क्या मिलता है बेटा? CHOLDHyde मेरे को मिल रहा होता है, और कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया बेटा? बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इटार्ड रिएक्शन की बात करूं, इटार्ड रिएक्शन भैया क्या होता है? टाइलुविन का रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो टाइलुविन बना हुआ था बेटा, यहाँ पे जो टाइलुविन बना हुआ था, उसी टाइलुविन का रिएक्शन होता है CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराने पर मेरे को जो है एल्डिहाइड यहाँ पे मिलता है। क्या बेटा? मेरे को यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि हम जो दो उपयोग लेने वाले हैं, दो रिएक्शंस लेने वाले हैं, मतलब कि इटार्ड अभिक्रिया और जो है स्टीफन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं जो है एल्डिहाइड बनाने में यूज किया जाता है। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है? बहुत बेहतरीन। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी जो है मेरे से गड़बड़ी हो गई, मतलब थोड़ी सी बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्या गड़बड़ी हुई बच्चे? ये जो स्टीफन रिएक्शन है बेटा, इसका ट्रिक क्या है बच्चा? ये है इसका ट्रिक क्या है? ये क्या, देखो, स्टीफन बोला। क्या बेटा इसका ट्रिक क्या है? स्टीफन बोला सुन। क्या बेटा? स्टीफन बोला सुन। यहां पे रिएक्टेंट कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज ले रहे हैं? सुन। स्टीफन बोला सुन, कल तू एसिड वाटर। स्टीफन बोला सुन कल तू एसिड वाटर को आलू देना। क्या बेटा? को आलू देना। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? इसका जो ट्रिक है याद करने का, वो क्या है? स्टीफन बोला सुन कल तू एसिड वाटर को आलू देना। आलू मतलब भैया एल्डिहाइड देना, समझ में? तो इस तरीके से इसको याद करना है। अब जो इटार्ड रिएक्शन है बेटा, इटार्ड रिएक्शन का हम लोग इस तरीके से याद करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है? इसका ट्रिक क्या है? तू ले क्रो मिलकल। अब बच्चे ध्यान से देखना, मिलकल मिलेगा बेंजोल। क्या बेटा? मिलेगा बेंजोल। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है, क्या याद करना है? तू ले क्रो मिलकल मिलेगा बेंजोल। जब ये सारे रिएक्शंस हो गए तो हमको क्या मिलेगा? बेंजोल मिलेगा, बेंजल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं ना, इसका रिएक्शन भी मैंने कराया हुआ है।
इसका रिएक्शन भी मैंने कराया हुआ है। क्लियर बच्चे? तो वो सारी चीज आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब हम बात करते हैं क्लेमेंसन अभिक्रिया और वोल्फ किजनर अभिक्रिया कैसे होती है। सेम रिएक्शन, बस कुछ चेंजेस होती है और बाकी कुछ नहीं होता। ध्यान से देखना, समझना। अब चेंजेस कहां पे होती है? चेंजेस होती है सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट पे चेंज होती है। देखो बच्चे क्या होता है, यहां पे हम कैटलिस्ट के तौर पे क्या लेते हैं, HG, क्या बेटा, मरकरी और ZN, मरकरी और ZN जो हम एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज कर रहे होते हैं। और यहां पे बेटा वोल्फ किजनर में क्या लेते हैं हम लोग, डाइएमिन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक क्षार के प्रेजेंसी में, डाइएमिन और एक क्षार के प्रेजेंसी में। और बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोल की प्रेजेंसी में इसका रिएक्शन कराते हैं, किसका, वोल्फ किजनर का। और हमको क्या मिलता है, CH2, और यहां पे कुछ भी हमको मिल रहा होता है, कुछ भी कहने का मतलब यहां पे एल्डिहाइड मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, ध्यान देना, यहां भी बेटा सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट यहां पे मेरे को मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान समझना। यहां पे जो रिएक्टेंट है ये भी यहां पे क्या है, सेम है, दोनों चीजें सेम मिल रही है मेरे को, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, देखो अब सिर्फ हमको क्या करना है, यहां पे कैटलिस्ट को याद करनी है। वो कैटलिस्ट कैसे याद करेंगे, देखो बच्चे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, लिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, बहुत बेहतरीन। चलो क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई। क्या बेटा, एल्डिहाइड इधर रह सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से। क्या बेटा, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से, और हमको क्या मिलेगा यहां पे, कोई भी एक तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम फंडा, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजाइन। क्या बेटा, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजाइन, ये हमारा होता है हाइड्रोजाइन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजाइन को साथ ले गया। क्या बेटा, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजाइन को साथ ले गया, मतलब कि भैया एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा और यहां पे एक प्रोडक्ट मिलेगा जो उसके साथ चला जाएगा। तो ये याद रखना है बेटा आपको, क्या रखना है, एल्डिहाइड कीटोन एंड हाइड्रोजाइन को साथ ले गया। एल्डिहाइड कीटोन क्या करता है, हाइड्रोजाइन को वो साथ में लेके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक उत्पाद बनाता है। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते, बहुत बेहतरीन। अब बच्चे आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी जो रिएक्शन बताने वाला हूं, जिसका नाम रहता है HVJ। क्या बेटा, HVJ रिएक्शन। अब HVJ का मतलब क्या होता है, हेल वोराल्ड जेलेंस्की। और ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छा और बहुत बार पूछा गया इसको, हेल वोराल्ड जेलेंस्की। क्लियर है सारे बच्चों को? और हमारा जो एक रिएक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है, हाफ मैन ब्रोमाइन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है बेटा, ये इस रिएक्शन के साथ हमारा जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। देखो बच्चे लास्ट वाले लेक्चर देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पे क्या चीजें होती है। पहले ट्रिक के ऊपर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ट्रिक की बात करूं, कार ब्राउन रेड पेट्रोल। ये कार क्या है बच्चा, कार क्या है, देखो ध्यान से बताते हैं भैया, ये हमारा ब्राउन होगा। क्या बेटा, ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउन, कार ब्राउन। और जो रेड पेट्रोल की बात की, मतलब रेड फॉस्फोरस की बात की गई है, यहां पे क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये हमारा पूरा एक कार होगा। ठीक है, कार, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कार। ठीक है, यहां पे जो कार है, कार ब्राउन है, कार ब्राउन रेड पेट्रोल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ब्रोमीन और जो है रेड जो है फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, तब मेरे को क्या मिलेगा बच्चे, देखो ध्यान से, इस तरीके से कुछ रिएक्शन मेरे को मिल रही होगी, जिसका नाम होता है बेटा, ध्यान से देखो, इसका कुछ नाम होता है। क्लियर बच्चे? तो हमको जब ये सारी रिएक्शन होगी तो ये हमको एक प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। क्लियर सारे बच्चों को? और ये प्रोडक्ट जो है आपको याद करके रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइन रिएक्शन क्या होती है। यहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, एक एमाइड होता है। क्या बच्चा, एक एमाइड होता है, एमाइड इज ब्रोन बेस। इस एमाइड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं और एक जो क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या बेटा, इस एमाइड को एक ब्रोमीन और एक क्षार के साथ रिएक्ट कराने पर मेरे को जो है Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O मेरे को मिल रहा होता है। तो ये रिएक्शन बहुत थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके लिए, थोड़ी सी बच्चे। अब रिएक्शन है बच्चे, क्या करना है उसको, तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो चीजें आसान होती है। संस्कृत में एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। सीखे हो ना, संस्कृत में पढ़े होगे ना, क्या बोलते, करते अभ्यास करते करते ही हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारी जो बुद्धि होती है वो तेज होती है। जड़मती होत सुजान, जो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देता है ना, वो अगर जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक हमारी जो बुद्धि है वो तेज हो जाएगी। रसरी आवाज जात के सिल पर होत निशान। तो बेटा ये एक जो बहुत बेहतरीन श्लोक है हमारे जो संस्कृत का, हमारी जो जननी होती है संस्कृत, वहां पर जो हमारा ये श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक में हमको सीधा बताता है कि भाई हम जितना जितने प्रयास करेंगे हमारी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाएगी, हमारी बुद्धि उतनी तेज होती जाएगी। मैं इसको पढ़ाई के रिलेटेड बता रहा हूँ बच्चे, हम जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे, हम जितना अपना दम लगाएंगे उतनी हमारी बुद्धि तेज होगी, हम उतना ही एक्सीलेंट जो है वहां पे कमांड रखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
जितना भी हम करें, जैसे कि आप हमारे पास एक कुएं में रस्सी देखिए हो बेटा, उसमें रस्सी डालते हैं, वो रस्सी क्या करता है, उस सील जो पत्थर होता है ना वो उसको पूरा क्या कर देता है, उसका जो घीस देता है, सोचो रस्सी जो है उस पत्थर को घीस देता है। तो उसी प्रकार से हमको भी मेहनत करनी है, और बच्चे हमारा जो बुद्धि अभी थोड़ी सी जो है जमी हुई है ना, जड़ लग गई उसके अंदर, जंग लग गई होगी, उसको प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी कि वो भैया दौड़ने लग जाए, वो जो है दौड़ने लग जाए। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग जो है आज का जो वीडियो लेक्चर है पूरे रिएक्शन को ऊपर जो पूरा खत्म कर दिया। देखो बेटा हमने इतने सारे रिएक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या क्या रिएक्शन पड़े बेटा, पूरा रिएक्शन में वापस से आपको जो है दिखा देता हूं, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखो बच्चे अपन ने पढ़ा हेलविरोल्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, क्लेमेंसन एंड वोल्स क्रिजन रिएक्शन, और बेटा स्टीफन रिएक्शन एंड रिटार्ड रिएक्शन, उसके साथ बेटा फिडल क्रॉफ्ट एक्सेलरेशन एंड फिडल क्रॉफ्ट एक्सेलरेशन रिएक्शन। अब बेटा हम लोग बात करें कोलबी रिएक्शन एंड रिमर टिमर अभिक्रिया। अब बच्चे अपन ने जो है लास्ट सेकंड लास्ट बात की वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, और बच्चे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और उसके साथ जो बच्चे सबसे पहले अपन ने बात किया हुआ था सेंडमेयर रिएक्शन एंड गॉटरमन रिएक्शन। एक गॉटरमन कोच रिएक्शन भी होता है बेटा, गॉटरमन कोच रिएक्शन होता है, उस कोच रिएक्शन को आपको बहुत ईजी है उसका करना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया हूं। क्लियर बच्चे? तो इसी के साथ बच्चे हम लोग जो है अपना ये वीडियो लेक्चर जो है खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चीजें जो प्रोडक्ट होती है वो कैसे बनी जाती है, मतलब कि भाई एल्डिहाइड के जो है कौन कौन से ऐसे नेमिंग रिएक्शन है उससे एल्डिहाइड बनता है, कीटोन किन से कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन से बनता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन से बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई करते रहिएगा।